फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मैगी ब्रेड पकोड़ा। इसके लिए हमें एक पैकेट मैगी चाहिए और चार पीस हमने यहाँ पे ब्रेड ले लिए। तो पहले हम मैगी बना लेते हैं। हम पानी बॉयल कर लेंगे। बॉयल हमारा हो चुका है, अब हम इसमें मैगी दे देंगे। पाँच मिनट तक रखना है, इसके बाद मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैगी हमारा पक चुका है अच्छे से, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये मैगी मसाला, पूरा ही ऐड कर देंगे। इसको पूरा ड्राई बनाना है। मैगी तब जब तक हमारा होता रहे, पकौड़े के लिए बटर बनाते रहे। हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और तब तक हम पकौड़े के बैटर बना लेंगे। तो इसका बैटर बनाने के लिए हमने यहाँ पे बेसन ले ली है और इसमें थोड़ी सी नमक डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी। बस सिंपल सा बनाना है हमें। और इसके बाद थोड़ी सी पीनट हमने ले ली है, जो इसमें हम क्रश करके इसमें डाल देंगे और थोड़ी सी धनिया, जो इसमें बाद में हम ऐड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, पीनट और बेसन को हमने एक साथ मिक्सी में पेस्ट बना लिया है। इसमें थोड़ी सी धनिया ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें टेस्ट भी बढ़िया आता है और इसका लुक्स भी चेंज हो जाता है। और ये दिखने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम बना के दिखाते हैं। तो हमने पहले एक ब्रेड ले लिया है, इसके बाद इसमें मैगी से इसको फिल करेंगे। थोड़ा गिर रहा है। और इसके ऊपर हम मैगी सॉस डालेंगे। ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। और इसके बाद थोड़ी सी चीज़, ये गया हमारा चीज़। चीज़ आप जितना डालोगे उतना ही टेस्ट आएगा। बस हो गया। बाद एक ऊपर से और एक ब्रेड हम इसमें डाल देंगे ऐसे। तो अब हम एक फ्राइंग पैन ले लेंगे, इसमें तेल डालेंगे। तेल थोड़ा ज़्यादा लेना है ताकि अच्छे से फ्राई हो सके। फ्रेंड्स, तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ब्रेड को फ्राई करेंगे। इसके लिए बैटर हमने बना लिया था, इसको हम ऐसे मिक्स करेंगे, लगाएंगे अच्छे से और डायरेक्ट फ्राई करेंगे इसको तेल में।
सो फ्रेंड्स, ये एक साइड से पक चुका है, अब हम इसे पलट देंगे दूसरी साइड। फ्राई हमारा हो चुका है, अब हम इसमें प्लेट में रख देंगे। और थोड़ी सी चीज इसमें डालेंगे, अब हम इसमें इसको ऐसे बीच में से काटेंगे। देखते हैं, मैगी 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 मैगी